तो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एच पी एस सी पी जी टी कॉमर्स सिलेबस के अंदर जिसके अंदर जो एक वीडियो है उसके अंदर हम जो बेसिक्स है वो हम कर चुके हैं कि भाई जो शेयर कैपिटल है उसका मीनिंग क्या है कंपनी का मीनिंग क्या है कितने तरह के हमारे शेयर कैपिटल है और इसी के साथ ही कितने तरह की हमारे जो कंपनीज है टाइप्स ऑफ कंपनीज भी हमने बात की थी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे या हम करेंगे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कि भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो प्रोस्पेक्टस है उसको इशू करते हैं उसके बाद जो पब्लिक है वो प्रोस्पेक्टस को देखती है चेक करती है कि भी हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए न, या ना चाहिए उसके बेस पे फिर कंपनी क्या करती है सॉरी जो पब्लिक है वो क्या करती है जो एप्लीकेशन है वो भेजती है ठीक है तो जो कंपनी फिर क्या करेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी और उसके बाद कंपनी क्या करेगी जो शेयर है उसको अलॉट कर देगी तो अब हम बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि भी जो पब्लिक जब सब्सक्राइब करेगी कंपनी ने शेयर इशू किए तो अब पब्लिक है वो सब्सक्राइब करेगी तो उस केस में हमारी क्या क्या, -क्या जनरल एंट्री होगी तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो भी कंपनी शेयर इशू करती है कंपनी क्या इशू करती है शेयर तो जो शेयर की वैल्यू है वैसे तो कंपनी चाहे तो एक के साथ जो शेयर है उसकी वैल्यू शेयर के जो पैसा है उसको मंगा सकती है लेकिन कंपनी क्या करती है एक साथ नहीं उसको बल्कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती कैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है वो कितने का दस रुपये का तो कंपनी अब इस दस रुपये को एक साथ नए मंगाकर इसको इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी कैसे कि भाई कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लेगी ये इंस्टॉलमेंट के नाम रख दिए गए हैं कि भाई कुछ पैसा एप्लीकेशन पे कुछ अलॉटमेंट पे फिर कुछ कॉल्स पे जैसे कि भाई तीन रुपये मंगा लिए किस पे एप्लीकेशन पे फिर तीन रुपये किस पे मंगा लिए अलॉटमेंट पे फिर दो कॉल बना दी कंपनी ने कि भाई दो रुपये की फर्स्ट कॉल और दो रुपये की हो जाएगी आपकी सेकेंड कॉल तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी जो पैसा है उसको मंगाएगी तो सबसे पहले कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी की ठीक है तो जब एप्लीकेशन मनी आएगा तो जो पैसा आएगा एप्लीकेशन का तो कंपनी क्या फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फिर बाद में कंपनी क्या करेगी जो ये पैसा आया है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी ये हमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो एप्लीकेशन मनी है वो क्या हुई है एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड ठीक है उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन मनी आई है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे शेयर नेक्स्ट एंट्री जो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो भी अमाउंट रहेगा अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है वो क्या है जो एप्लीकेशन मनी है शुड बी एटलीस्ट फाइव परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ठीक है भाई जो एप्लीकेशन मनी है ये इम्पोर्टेंट नोट इस नोट डाउन कर लीजिए जो एप्लीकेशन मनी है वो आपकी जो आपका शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है फेस वैल्यू है उसका फाइव परसेंट से कम नहीं होना चाहिए नोट लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू तो ये यहाँ से आपका एम सी क्यू बन सकता है इसी के साथ ही मैं बता दूँ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी तो आपकी जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट पाँच परसेंट यहाँ पर रखा गया है लेकिन अकॉर्डिंग टू सेबी सेबी ने जो ये लिमिट है ठीक है सेबी ने जो ये लिमिट है ये ट्वेंटी फाइव परसेंट बताइए कि भाई आपका एप्लीकेशन मनी है वो पच्चीस परसेंट से कम नहीं होना चाहिए तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है इनको नोट कर लीजिए ठीक है और इसी के साथ ही आप मुझे बताइए जो आ, से, जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी मुझे बताना सेबी का ठीक है तो देखते हैं कि भाई कितने बच्चे इसका अच्छे से आंसर करेंगे तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री उसके बाद हमारा होगा क्या मनी इस आ हाँ तो आप देखिए फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी फिर तीन रुपये किस पे मंगा लेगी अलॉटमेंट पे फिर फर्स्ट कॉल पे फिर सेकंड कॉल पे ठीक है तो सेकंड हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अब हम अलॉटमेंट पे, पे पैसा मंगाएंगे तो अब हम क्या करेंगे ड्यू की एंट्री पहले करेंगे और पैसा हमें बाद में मिलेगा तो पहले एंट्री आप किसकी कर दोगे क्योंकि अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुकी है तो उसकी क्या एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ठीक है और उसके बाद फिर जब हमें मनी रिसीव्ड होगी तो फिर हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ये सेकेंड एंट्री कब होगी जब हमें मनी रिसीव्ड होगी तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं जनरल एंट्री करते हैं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जो जैसे हमने जितने भी कॉल है दो कॉल है या फिर कई बार तीन कॉल है या एक ही कॉल में हमने पैसा मंगाया तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे किसकी कॉल की ठीक है कॉल की फर्स्ट कॉल की अगर मैंने दो कॉल मंगाई है तो फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट एंट्री होगी ड्यू होने की तो ड्यू होने की एंट्री आपकी वही हो जाएगी क्या ड्यू होने की एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल भाई जो भी अमाउंट होगा वो इधर आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर भाई हमें मनी रिसीव्ड होगा किस पर फर्स्ट कॉल पर तो पैसा मिलने की एंट्री हम करेंगे सेकंड मनी जब हमें रिसीव होगा ऑन फर्स्ट कोर तो हमारी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कोल अकाउंट ठीक है इसी तरह से सेम आपकी सेकेंड कॉल में एंट्री हो जाएगी पहले ड्यू होने की तो वहाँ पे आ जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर मनी जब हमें पैसा हमें जब मिलेगा सेकंड कॉल पर तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल तो इस तरह से बेसिकली हमारी क्या होंगी जनरल एंट्री होगी लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई जब हमने शेयर इशू किए तो जो कंपनी ने शेयर इशू करने के बाद जो पब्लिक है पब्लिक ने क्या जितने हमने शेयर इशू किए हैं उतना ही सब्सक्रिप्शन का जो पब्लिक है वो उतने शेयर के लिए अप्लाई करेगी या फिर ज़्यादा के लिए करेगी या फिर कम के लिए करेगी ठीक है तो कई बार बेसिकली क्या है कि भाई हम जो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो जैसे कई तीन सिचुएशन आपकी बनती है साथ के साथ मैं बता दूँ जब भी एक कंपनी है वो शेयर इशू करेगी तो तीन सिचुएशन हमारी कौन कौन सी हो सकती है कि भी हमने एक फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि भाई हमने पाँच हज़ार शेयर इशू किए ठीक है और हम पब्लिक के पास छः हज़ार शेयर के लिए क्या गया? आ गया एप्लीकेशन आ गया ठीक है पब्लिक ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन भेज दिया छः हज़ार के लिए सेकंड हो सकता है कि भाई वही पाँच हज़ार शेयर हमने इशू किए और पाँच छः हज़ार शेयर के लिए ये वैसे रेयर है कि भाई ऐसा हो कि भाई जितने शेयर कंपनी इशू करेगी उतने बिल्कुल एग्जैक्ट उतने शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई करे कम ज़्यादा ये चलता है ठीक है थर्ड सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है कि भाई कंपनी ने पाँच हज़ार शेयर इशू किए लेकिन पब्लिक ने सिर्फ चार हज़ार शेयर के लिए अप्लाई किया तो जो ये फर्स्ट वाली सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन इसको हम क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ये वाली जो लास्ट वाली है कि भाई जितने शेयर हमने इशू किए पब्लिक ने उससे कम शेयर के लिए क्या किया अप्लाई किया तो उसको हम क्या कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन हम कहेंगे ठीक है ये सिचुएशन हमारी कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन और जो ये बीच वाली है भाई ये फुल सब्सक्रिप्शन है कि भाई जितना हमने मांगा उतना हमें मिल गया ये रेड वैसे देखने को मिलता है तो अब देखिए अब जब हमारी क्यों, कौन सा केस होगा जब होगा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का पाँच हज़ार शेयर कंपनी ने इशू किए छः हज़ार शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं एक हज़ार शेयर पर एक हज़ार शेयर पर जो एप्लीकेशन मनी है वो हमें ज़्यादा मिली है कैसे हमने तीन रुपये अगर हमने एप्लीकेशन मनी मंगाया ठीक है तो एप्लीकेशन मनी का क्या था तीन रुपये था तो हमें पाँच हज़ार शेयर पर तीन रुपये के हिसाब से मिलने चाहिए थे एक लाख पचास हज़ार लेकिन पब्लिक ने छः हज़ार शेयर से अप्लाई कर दिया तो पब्लिक ने एक लाख अस्सी हज़ार पैसा हमें भेज दिया तो यहाँ पे जो तीस हज़ार रुपये है ये हमारे पास ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि हमने जितने शेयर इशू किए हैं हम उतने ही शेयर पब्लिक को दे सकते उससे ज़्यादा नहीं तो अब ये जो तीस हमारे पास ज़्यादा आए हैं इसका हम क्या करेंगे हम चाहे तो इसको रिफ़ंड कर सकते भाई पब्लिक का पैसा तीस हज़ार उसको वापस कर दे या फिर हमें पता है कि भाई हमें आगे भी पब्लिक से पैसा मंगाना हमें अलॉटमेंट पे भी मंगाना है फर्स्ट कॉल पे भी थर्ड कॉल पे भी तो भाई हम इस पैसे को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं तो अब देखिए अगर फोर मनी रिफंडेड ऑन द रिजेक्टेड एप्लीकेशन अगर हम क्या करें जो एप्लीकेशन है उसको अगर हम रिजेक्ट कर दें रिजेक्ट कर देंगे ठीक है तो फिर उस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री होगी जैसे अब एक हज़ार जो ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आई है इस केस में ठीक है छः हज़ार शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था तो एक हज़ार जो शेयर ज़्यादा है उसको हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया ठीक है जब हम रिजेक्ट कर देंगे तो उसकी हमारी बेसिकली क्या जर्नरल एंट्री होगी तो देखिए जब एप्लीकेशन मनी आई थी तो आई थी तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई थी बैंक कैश हमारे पास आया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ये हमने एंट्री की थी ठीक है लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट तो अब हम उल्टा करेंगे क्या करेंगे अब हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अब जैसे एक हज़ार शेयर पे तीन रुपये ज़्यादा थे मीन्स तीस हज़ार यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पैसा आया था तो हमने जो एक हज़ार शेयर है उनको रिजेक्ट कर दिया था अब रिजेक्ट हमने कर दिया तो भाई उनका पैसा वापस करना पड़ेगा तो ये जो रिजेक्टेड हमारे शेयर्स हैं उनका पैसा हम रिफंड करने की हमारी एंट्री हो गई है फॉर मनी रिफंड रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है ठीक है अब इसी के साथ ही अगर हम क्या करते हैं जो एप्लीकेशन मनी है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है अगर हम उसको एडजस्ट कर लें एडजस्ट जैसे कि मैंने बोला था कि भाई आगे हमें तीन रुपये अलॉटमेंट पर भी मंगाने हैं दो रुपये फिर हमें फर्स्ट कॉल पे भी मंगाने हैं दो रुपये हमें, है, हमें इस पे भी मंगाने हैं है, किस पे सेकेंड कॉल पर तो उस केस में हम ये एंट्री न करके पैसा रिटर्न न करके हम सेकेंड एंट्री क्या कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है भाई अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लो पैसा सारा का सारा अगर हो जाए तो क्योंकि अलॉटमेंट का भी कितना बनेगा तीन रुपये के हिसाब से पाँच हज़ार शेयर पे बनेगा एक लाख पचास हज़ार तो ये पूरे के पूरे तीस हज़ार हम कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पर और बाद में फिर क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा कितना बनेगा एक लाख पचास हज़ार बनेगा ना तो तीस हमारे आ चुके हैं तो तीस माइनस करके अब हम अलॉटमेंट पे सिर्फ एक लाख बीस हज़ार रुपये मंगा ले लेंगे ठीक है कई बार हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि भी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच सकता है बाई चांस यहाँ पर अगर ऐसा केस होता है कि पाँच शेयर के लिए जो कंपनी है उसने पाँच शेयर इशू किए थे लेकिन जो यहाँ पे पब्लिक है उसने पंद्रह शेयर के लिए अगर मैं बात करती हूँ ठीक है तो पंद्रह नहीं तो चलिए बारह कर लीजिए बारह हज़ार शेयर के लिए अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सात हज़ार शेयर पे पैसा ज़्यादा आया तो सात हज़ार का अगर मैं पैसा निकाल दूंगी तो ये आ जाएगा आपका दो लाख दस हज़ार रुपये ज़्यादा आ चुके तो अब दो लाख दस हज़ार में से अगर मैं अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करना चाहूँ अलॉटमेंट का कितना बनेगा एक लाख पचास हज़ार तो एक लाख पचास हज़ार होने के बाद एडजस्ट करने के बाद भी साठ हज़ार रुपये बचते हैं तो भाई बाकी का जो पैसा बचेगा शेयर कॉल पर मैं क्या कर लूँगी एडजस्ट कर लूँगी ठीक है अगर मेरा सारा अलॉटमेंट पे भी हो गया तो फिर मैं यहाँ पे कॉल पे भी तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पैसा रिफंड ना करें तो हम जो पैसा है उसको क्या कर सकते हैं उसको आगे अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आगे आप क्वेश्चन देखोगे ना वहाँ पे डिपेंड करेगा कि भाई हमें किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे ये तो अभी जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि भाई इस तरह से हम कर सकते हैं और उस केस में हमारी ये एंट्री होगी तो यहाँ पर जो पैसा हमने एडजस्ट किया ठीक है और किया है तो यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट भी और इसी के साथ ही कॉल्स इन एडवांस भी हम इसको बोल सकते हैं कॉल्स इन एडवांस कि भी एडवांस में ही हमारे पास से क्या आ चुका है पैसा आ चुका है ठीक है तो ये बेसिकली हमारी जनरल एंट्री होगी ये मैंने आपको बता दिया अब अब हम बात करेंगे यहाँ पे अब जो कॉल्स की जैसे कि मैंने बात की थी ठीक है जब हम जब हम पैसा पब्लिक से पैसा मंगाएंगे तो एक तरह से मैंने बोला था आपको क्या कि भी इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगा लेंगे तो इंस्टॉलमेंट को हमने किस तरह से डिवाइड किया कि भी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम तो हमारा हो चुका है क्या एप्लीकेशन ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मीन्स हमने एप्लीकेशन पर पैसा मंगा लिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम हमने रख दिया क्या भी अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया फिर हमने रख दिया क्या फर्स्ट कॉल पे हम कुछ पैसा मंगा लेंगे और फिर हमने रख दिया क्या कि भी सेकेंड कॉल पर हम पैसा मंगा लेंगे तो इस तरह से टोटल दस रुपये ना वो हम पब्लिक से इस तरह से हम मंगाएंगे तो ये हमने डिसाइड किया तो अभी हम बात कर लेते हैं सा कॉल्स को लेकर ठीक है अब हम बात कर लेते हैं किसको लेकर कोल्स को लेकर तो कोल्स को लेकर हम क्या बात करेंगे कि भाई जो जो कोल्स है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन्स आपके गिवन है वे आपको फॉलो करने होंगे जो आपके प्रोविजन्स है वे कहाँ पे गिवन है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ठीक है तो बेसिकली प्रोविजन हमारे यहाँ पे क्या है तो देखिए अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें प्रोविजन आपके गिवन है तो सही है अगर बाय चांस आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अंदर कोई प्रोविजन गिवन नहीं है या आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन नहीं है उस केस में आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट है कि भाई एक टेबल है उसका नाम है एफ टेबल एफ तो उसके रूल हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे उसके रूल हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे किसके रिगार्डिंग कॉल्स के रिगार्डिंग जैसे हमने पार्टनरशिप में बात की थी अगर हमने एग्रीमेंट किया है तो जो हमने एग्रीमेंट किया है अगर उसमें हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर हमने बनाए हैं तो सही बात है हम उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप हम को चलाएंगे लेकिन अगर यहाँ पे एग्रीमेंट करने का मतलब क्या है कि भी हमने पार्टनरशिप डीड अगर हमने बनाया चाहे हमने ओरली पार्टनरशिप डीड मेंटेन किया है या फिर हमने रिटर्न में किया है तो फिर तो सही बात है कि भी हमने पहले से सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि भी किस तरह से पेमेंट होगी किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा थोड़ी देर के लिए सुनिए तब आपको ये समझ में आएगा लेकिन अगर हमारा जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट था इन द सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड तो कुछ रूल्स थे वे किसके अकॉर्डिंग थे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हमें फिर वे रूल फॉलो करने थे तो सेम हमारा कॉल्स केस में है या तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोशिएशन उसके अंदर आपके प्रोविजन मैंशन होंगे अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी प्रोविजन मैंशन नहीं है तो उस केस में आपको टेबल एफ है उसने कुछ रूल्स बताए हैं कुछ प्रोविजन बताए हैं फिर आप लोगों को वे प्रोविजन फॉलो करने हैं ठीक है तो क्या कहा है कॉल्स आर टू बी मेड एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉल्स को हम कैसे मंगाएंगे पर प्रोविजन ऑफ 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 आर्टिकल आर्टिकल एसोसिएशन एसोसिएशन ठीक है देयर इज नो अगर कोई उसका अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है then the of table F will be apply. तो किसके प्रोविजन? जो टेबल F है, इसके प्रोविजन हमारे तो भाई अब इसके प्रोविज़न क्या है अब वो सुन लीजिए ध्यान से किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो तो फर्स्ट प्रोविज़न क्या है अ पीरियड ऑफ वन मंथ मस्ट इलैप्स बिटवीन टू कॉल्स तो भाई दो कॉल्स के बीच में दो कॉल्स के बीच में कम से कम एक महीने का गैप होना चाहिए एक महीने का टाइम हो जाए तब हम दूसरी कॉल मंगाएंगे तो फर्स्ट बात आपको ये याद रखनी है क्या नोट डाउन कर सकते हो अ पीरियड ऑफ वन मंथ मस्ट इलैप्स बिटवीन टू कॉल्स दो कॉल्स के बीच में एक महीने का कम से कम गैप होना चाहिए सेकंड है द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सेकंड क्या है कि जो अमाउंट ऑफ कॉल रहेगा वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर फेस वैल्यू ऑफ आ शेयर जो एक शेयर है उसकी जो फेस वेल फेस वैल्यू है उसके 25 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट ऑफ कोल शुड नोट एक्सीड ठीक है शुड नोट एक्सीड नोट एक्सीड भाई 25 परसेंट से ज़्यादा आपका जो कोल का अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए ठीक है अमाउंट ऑफ कोल शुड नोट एक्सी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ठीक है तो सेकेंड प्रोविजन ये थर्ड क्या है मिनिमम ऑफ फोर्टीन डेज नोटिस मिनिमम ऑफ फोर्टीन डेज नोटिस तो भी कम से कम चौदह दिन मिनिमम की बात की यहां पर कम से कम चौदह दिन पहले आपको एक नोटिस देना होगा किसको शेयर होल्डर्स को किस के रिगार्डिंग टू पे कॉल कॉल का जो अमाउंट है ना इसकी पेमेंट कीजिए उसका कम से कम ये मिनिमम है ठीक है तो चौदह दिन पहले आपको कम से कम नोटिस देना होगा मिनिमम है तो मैक्सिमम तो भी दो महीने पहले भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो तीन महीने पहले भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई उस डेट तक आपको जो कॉल है वो देनी है लेकिन मिनिमम यहां पे बात की भी कम से कम चौदह दिन पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी इसी के साथ ही लास्ट है कॉल ठीक है लास्ट हमारे क्या है जो आप कॉल जो आप मंगाओगे ठीक है कोल मस्ट भी मेड ओन यूनिफॉर्म बेसिस कोल मस्ट भी मेड ओन अ यूनिफार्म बेस भाई आपको एक यूनिफॉर्म बेस लेकर लेके चलना फॉर सेम क्लास जो सेम क्लास से इसके शेयर होल्डर्स है एक ही क्लास उन उनसे हम जो कॉल मंगाएंगे वो एक यूनिफॉर्म बेस पे मंगाएंगे मीन्स सभी जिस डेट को मंगाना है सभी की डेट सेम रहेगी जो भी अमाउंट हम मंगाएंगे सेम मंगाएंगे ऐसा नहीं है कि भाई किसी शेयर होल्डर्स से हमने एक डेट को मंगा लिया किसी से फिर दूसरी किसी को दूसरी डेट हमने दे दी अलग अलग डेट दे दी या फिर ऐसे ही हमने अमाउंट में कर लिया किसी शेयर होल्डर्स से हमने कम अमाउंट मंगा लिया किसी से ज़्यादा मंगा लिया ऐसा नहीं करना आपको यूनिफॉर्म बेस लेना होगा किसके लिए ऑन द बेस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास सेम क्लास के जो शेयर्स रहेंगे उनके लिए यूनिफॉर्म बेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कॉल है उसको मंगाओगे ठीक है तो ये था कॉल की रिगार्डिंग अभी और हम चर्चा करेंगे कॉल पे अब देखिए जैसे कि हमने अभी बात की थी कि भाई कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो एडवांस में ही पैसा देंगे ठीक है या तो इस तरह से आपके पास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका उस केस में आप एडवांस में एक तरह से आपके पास कॉल आ जाएगी लेकिन कई बार कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं वे क्या करेंगे कि भाई जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया ना तो उन्होंने सोचा यार अब ये अलॉटमेंट का मंगा आ रहे हैं महीने बाद फिर ये कॉल का भी मंगाएंगे फिर उसके कम से कम एक महीने बाद फिर दूसरी कॉल पे पैसा मंगाएंगे तो कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है कि भी वो पहले ही वो बोलता भी चल इस काम से तो मैं फ्री हूँ सारे पैसा मैं अभी दे देता हूं तो भाई किसी शेयर होल्डर ने क्या किया एप्लीकेशन पर या तो या फिर एप्लीकेशन पर नहीं तो अलॉटमेंट के टाइम ही उसने क्या किया फर्स्ट कॉल के भी पेमेंट कर दी और सेकेंड कॉल के भी उसने पेमेंट कर दी तो भाई अलॉटमेंट के टाइम ही उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी तो कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की उसने पेमेंट किया है इसका पैसा एडवांस में आ गया ना कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस हम इसको क्या कहेंगे कॉल्स इन एडवांस कि भी एडवांस में आ चुका ठीक है इसी तरह से एक केस हमारा क्या हो सकता है कि भाई कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि भाई वे मांगने के ऊपर भी पैसा नहीं देंगे हमने कॉल का पैसा मांगा ठीक है लेकिन उन्होंने पेमेंट ही नहीं की अब सेकेंड कॉल भी हमारी ड्यू हो चुकी है फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया फिर हमने सेकेंड कॉल का पैसा मांगा तो सेकेंड कॉल का भी उसने पैसा नहीं दिया तो उस केस को हम क्या बोलते हैं कॉल सीन एरियर्स अब इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है कल्स इन एडवांस क्या कोल्स इन एरियर्स हमारा क्या है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर्स की कि भाई हमने पैसा मांग लिया टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा नहीं किया नहीं दिया है कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है कि भाई हमने पैसा मांग लिया टाइम हो चुका है लेकिन पैसा नहीं आया तो यहाँ पर भी देखिए बेसिकली कॉल्स इन एरियर्स हम किसको बोलते हैं वेन एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी ऑफ द कॉल्स सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स कि भी कोल्स कोल्स का नहीं यहाँ पे हो सकता है कि भी कोई शेयर होल्डर्स है उसने अलॉटमेंट का भी पैसा ना दिया हो तो ये भी किसके अंदर आएगा कोल्स इन एरियर्स के भी हमने पैसा मांगा डेट ड्यू हो चुकी है लेकिन पैसा नहीं मिला तो इसको हम अनपेड कोल्स भी बोल सकते हैं और कॉलसिन इन एरियर्स भी बोल सकते हैं अनपेड कोल्स भी हम इसको बोल सकते हैं अब देखिए इसके रिगार्डिंग हमारे क्या क्या प्रोविजन है ठीक है तो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन द कॉल्स इन एरियर एट द रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ़ द एसोसिएशन अगर कॉल्स इन एरियर्स हो चुका है तो उस केस में फिर जो आपका आर्टिकल एसोसिएशन में अगर आपने कोई इंटरेस्ट की रेट आपने मेंशन की है तो भाई उस रेट से आप क्या करोगे इंटरेस्ट चार्ज करोगे किस पर जो कॉल्स एरियर्स है लेकिन फिर से वही अगर आपका खुद का आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन नहीं है ठीक है या फिर जो आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन है वो साइलेंट है किसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग कॉल्स इन एरियर्स पर वे किस से रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपका साइलेंट है तो उस केस में सेम आपका जो टेबल एफ़ है टेबल एफ़ है उसके जो प्रोविज़न है वो फॉलो करने पड़ेंगे और इसका प्रोविज़न बोलता है कि भई जो इंटरेस्ट ऑफ रेट रहेगा वो क्या रहेगी रेट आपकी टेन परसेंट ठीक है तो यहाँ पे पर एन एम टेन परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कम बेशक से हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसने क्या कहा द इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग टेन परसेंट पर एन एम तो ये आपको याद रखना है ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बनता है पूछा जाता है कि भाई कॉल्स इन एरियर्स पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो क्या रहेगी नोट एक्सीडिंग ये पॉइंट आपको याद रखना नोट एक्सीडिंग ठीक है दस परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मैक्सिमम एक तरह से आपका क्या होगा दस परसेंट इससे कम बेसक से लगा लो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए ये किसके रिगार्डिंग आपका कोल्स एरियर्स के ठीक है तो जब हमारा होगा क्या कोल्स एरियर्स तो उस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री होगी तो जनरल एंट्री भी आप देख लीजिए अगर कोल्स एरियर्स हमारा हो चुका है तो देखिए हम एंट्री करेंगे यहाँ पे कॉल्स एरियर्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट ठीक है जो भी हमारी कॉल रहेगी ठीक है टू शेयर कॉल अकाउंट भी फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है या फिर अलॉटमेंट है तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री अब इसी के साथ ही अब इसी के साथ ही जब हमारा इंटरेस्ट अब हमें इस पर क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा कॉल इन एरियर्स पे तो जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा जब हमें क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा तो तब हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स ठीक है जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तब हमारी ये जर्नल एंट्री होगी तो जर्नल एंट्री कई बार पूछी जाती है तो आप याद रख लेना तो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर्स अब हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की कि भाई अगर जो शेयर होल्डर है ठीक है अगर उसने पैसा नहीं दिया नहीं दिया तो भाई हमने टाइम हुआ उसने पैसा नहीं दिया तो हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया लेकिन जो ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया है टाइम नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने पैसे दे दिया तो भाई अब वे भी तो डिमांड करेंगे ना जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो जिनका पैसे एडवांस में आए उनको इंटरेस्ट दो भी तो अब कॉल्स इन एडवांस में हमारा क्या होगा सेम जैसे कि हमने बात की एरियर्स के अंदर कॉल्स इन या तो आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में आपका इंटरेस्ट रेट आपके डिफाइन है अगर डिफाइन नहीं है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन साइलेंट है तो सेम जो टेबल एफ़ है उसका प्रोविजन हमारा अप्लाई होगा और टेबल एफ़ बोलता है कि भाई कौन इन एडवांस पे जो आप इंटरेस्ट दोगे वो रहेगा आपका ट्वेल्व परसेंट ठीक है टेबल एफ़ यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी नोट एक्सीडिंग ट्वेल्व परसेंट नोट एक्सीडिंग ट्वेल्व परसेंट पर एन कि भाई बारह परसेंट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते ठीक है या तो आपने खुद से मेंशन कर लिया अगर मेंशन है तो अच्छी बात है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं जो रेट डिफाइन है उस रेट के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस में पैसा दे, दे देंगे अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो फिर भी टेबल एफ में आपकी जो रेट है ये डिसाइड की गई है ठीक है अब देखिए जो कॉल्स इन एडवांस है इसकी हमारी क्या एंट्री होगी तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या अभी एडवांस में पैसा आया तो हमारी एंट्री हो चुकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अब हमें क्या है इंटरेस्ट अब हमें देना एरियर्स में तो हमें इंटरेस्ट मिला था लेकिन यहाँ पे हमें पेमेंट करनी होगी तो इंटरेस्ट की हमारी क्या एंट्री होगी तो भाई इंटरेस्ट हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए एक्सपेंसिज हो जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक ये जो मैंने बताई है ये किसकी एंट्री बताई आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करने की ठीक है और जब हमें ठीक है तो ये होगी हमारी इंटरेस्ट की ये होगी हमें कॉल हमें मिली है और इसी के साथ ही जब हमारी जो कॉल्स है कॉल्स इन एडवांस हमारा ऑलरेडी आ चुका है जब हम उसको एडजस्ट करेंगे तो तब हमारी एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट क्योंकि ये हमारा पहले से ही आ चुका है टू शेयर कॉल अकाउंट ठीक है ये तीन जनरल एंट्री आपको करनी होगी तो ये था आपका कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग जो भी गिवन था इसी के साथ ही अभी अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी थोड़े सा मैं और उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्या कि भी जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो पब्लिक है वो अलग अलग तरह से सब्सक्राइब करती है जैसे ही मैंने बात की थी तीन तरह से सब्सक्रिप्शन हमारा चलता ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की तो ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको क्या बताया था अभी जितने शेयर हमने इशू किए हैं उससे ज़्यादा पब्लिक ने हमारे पास अप्लाई किया है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर जो शेयर है ठीक है उसका अलॉटमेंट हम किस तरह से करेंगे शेयर कैन बी अलॉटेड इन थ्री ऑल्टरनेटिव वे वेज थ्री ऑल्टरनेटिव वेज़ तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है उस केस में हम तीन तरह से जो शेयर है उनको अलॉट कर सकते हैं तो तीन तरह से हम किस तरह से हम करेंगे तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्या होगा फुल अलॉटमेंट टू द सम एंड रिजेक्ट अदर एप्लीकेशन कुछ को तो हमने फुल पैसा दे दिया और कुछ को हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया ठीक है अब जैसे यही सेम एग्जांपल हम लेंगे पाँच हज़ार शेयर कंपनी ने इशू किए और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला छः हज़ार शेयर के लिए तो कुछ तो ऐसे थे जैसे पाँच हज़ार के लिए फुल हमने पाँच हज़ार दे दिए लेकिन एक हज़ार जो शेयर एक्स्ट्रा थे उनको हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया तो फर्स्ट ऑल्टरनेट हमारा ये हो जाएगा फिर सेकंड है हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट या फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी हम बोलते हैं सेकंड हमारा क्या है प्रोरेटा या फिर हम इसको प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इसमें हम क्या करेंगे कि भाई हम इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे जितने जित जिसने जितना शेयर मांगा उसको उतना न देकर हम कम दे देंगे ठीक है जैसे किसी शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया 200 शेयर के लिए हमने क्या किया कि भाई उसको 200 शेयर न दे के हमने उसको 150 शेयर दे दिए और जो उसके 50 शेयर्स पे जो पैसा ज़्यादा उसने दिया था वो एडजस्ट कर लेंगे तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं प्रोरेटा में ठीक है या फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया किसी ने 200 शेयर जैसे एक कंपनी है उसने शेयर इशू किए तो मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया तो मैंने 200 शेयर्स का पैसा भेज दिया तीन रुपये अप्लीकेशन पे उसने मांगे थे तीन रुपये किस पे थे एप्लीकेशन पे तो भाई मैंने तीन दो सौ शेयर मुझे चाहिए खरीदने हैं मुझे तो उसके हिसाब से मैंने तीन रुपये के हिसाब से छः सौ रुपये कंपनी को भेज दिए लेकिन तो कंपनी ने मुझे दो सौ शेयर नहीं दिए कंपनी ने मुझे सिर्फ डेढ़ सौ शेयर दिए तो भाई डेढ़ सौ शेयर पे तो मेरा एप्लीकेशन का कितना पैसा बनना था साढ़े चार सौ रुपये बनना था तो कहीं ना कहीं मैंने डेढ़ सौ रुपये ज़्यादा दिए हैं अब ये जो डेढ़ सौ रुपये है ना अभी कंपनी ने क्या किया क्योंकि भाई अब कंपनी को आगे अलॉटमेंट पे भी पैसा मांगना था तो कंपनी ने मेरा डेढ़ सौ रुपये ना वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया और जब अब मेरा अलॉटमेंट का पैसा देने का नंबर आएगा ना तो मैं डेढ़ सौ रुपये कम दूंगी अब मेरा अलॉटमेंट में भी कितना पैसा बनेगा साढ़े चार सौ बनेगा अब क्योंकि अलॉटमेंट में भी तीन रुपये है डेढ़ सौ मेरे पहले ही जा चुके हैं तो अब मैं अलॉटमेंट में सिर्फ कितने पैसे दूंगी तीन सौ रुपये दूँगी तो ये सेकेंड केस है इसको हम बोलते हैं प्रोरेटा कि भाई हाँ इसमें किसी भी शेयर होल्डर से उसको रिजेक्ट ना करके कि भाई जिसने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उसको उतना ना देकर उससे थोड़ा कम दे दो लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा दे दो ठीक है थर्ड हमारा केस क्या होगा थर्ड केस होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कैसे भी कुछ को दे दिया कुछ को नहीं दिया और कुछ को तीन तीन कॉम्बिनेशन एक तरह से बन जाएंगे कुछ को तो बिल्कुल भी, भी नहीं दिया किसी शेयर होल्डर्स को तो कुछ नहीं दिया उसका सारा पैसा वापस कर दिया किसी के साथ सेम ही किया दो सौ शेयर मांगे थे डेढ़ दे दिए ठीक है और किसी के कोई शेयर होल्डर्स ऐसा था जिसने जितना मांगा उसको उतना दे दिया तो इस तरह से फुल अलॉटमेंट टू सम कुछ को तो हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया प्रो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कुछ को प्रोपोर्शनेट कर दिया और कुछ का हमने पैसा रिजेक्ट कर दिया तो वो हो जाएगी हमारा तीसरा मेथड किसके लिए जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा उस केस में जो हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की ठीक है तो यहाँ पे भी फिर हमारा अलग अलग जैसे यहाँ पे आगे आप जाओगे जब बात करोगे तो कोई भी एक क्वेश्चन लगा के देख लेना ठीक है वैसे इतना लंबा क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा लेकिन जब सब्जेक्टिव आपका होगा तब आपको और डिटेल में करना होगा तब तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन भी सोल्व करके देखने होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम एच पी एस सी एस एग्जाम करा रहा है सब्जेक्टिव तो उसमें में भी हो सकता है भी कैसे है, भी कुछ भी पूछा पुछ जा सकता है लेकिन अभी के लिए तो इतना गहरा इसमें नहीं जाएंगे वे ठीक है या क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए जस्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो हम किसको बोलते हैं फुल किस को बोलते हैं या फिर प्रोरेट अलॉटमेंट हमारा क्या है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका अब इसके बाद हम थोड़ा सा और करेंगे देख लेती हूँ मैं एक बार कितना लंबा है चलेगा आपका तो अभी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम पर डिस्काउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई अब ये प्रोविजन नहीं है अब जो कंपनी है वो जो शेयर्स है उसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती न्यू शेयर्स को तो पहले हम चर्चा करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ठीक है शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करना है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम अब देखिए ये इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है बेसिकली कि भाई हमारा शेयर कितने का है दस रुपये का शेयर है तो कंपनी ने क्या किया दस रुपये का शेयर है ना वो बारह रुपये में क्या किया इशू किया दो रुपये ज़्यादा किया हमने ठीक है हमारी जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो दस रुपये थी लेकिन कंपनी ने बारह रुपये में उसको इशू किया तो ये दो रुपये ज़्यादा इशू किए ना इसी को प्रीमियम बोलते हैं ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम इसको बोलते हैं दो रुपये जो हमने ज्यादा किए हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं जब भी हम शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे तो उसके लिए हम प्रीमियम के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का हम नाम रखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अब ये बेसिकली क्या है द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू टूपरेट अकाउंट कोल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो भी प्रीमियम का पैसा मिलेगा उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट करेंगे ठीक है तो जैसे कैसे हो, इसमें होगा कि भाई जैसे अलॉटमेंट के साथ हमने दो रुपये मंगाए हैं प्रीमियम के तो यहाँ पे हम जब एंट्री करते हैं तो पहले हम ड्यू के एंट्री करते हैं ठीक है हम क्या एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और इसी के साथ ही हम यहाँ पे कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम कि भी दो रुपये हमें कहाँ पे दो रुपये यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम पे मिल जाएंगे और पूरा दस रुपये हमारा कहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट पे हम यहाँ पे दिखा देंगे पूरे सॉरी शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारे तीन रुपये और अलॉटमेंट में हम दिखा देंगे पूरे पाँच रुपये और जब हमें एक्चुअल में पैसा मिलेगा तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट पूरे पाँच रुपये से टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है तो इस तरह से बेसिकली कहने का मतलब क्या है जब भी हम शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे तो हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम और जो प्रीमियम का पैसा आएगा उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है अब जो बात आपको याद रखनी है कि भाई जो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हमने अलग से अकाउंट ओपन किया है इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ पर दिखाएंगे ठीक है ये हमारी है एसेट साइड और ये हमारी लाइबिलिटी साइड ठीक है तो इसमें हम कहाँ पर दिखाएंगे इसको हम दिखाएंगे जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है लाइबिलिटी साइड में भी आपका होगा इक्विटी एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये आपका हेड रहेगा और इसके अंदर आपका एक हेड रहेगा रिजो एंड दिखाई दे रहा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस का हाँ दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे हम बैलेंस शीट बैलेंस शीट के अंदर हमारा लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो इसके अंदर एक हेड हेड रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस वहां पे वहां पे उसके अंदर हम किसको दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को तो ये आपको याद रखना कि बैलेंस शीट के कौन सी साइड में आएगा इसी के साथ ही मैंने कॉल्स इन एडवांस है ना वो नहीं आपको बताया वो भी बता देती हूँ जो कॉल्स इन एडवांस है इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे ठीक है कॉल्स एडवांस को भी हम बैलेंस शीट में कि जो लाइबिलिटी साइड है ना वहाँ पे हम इसको दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में अंडर आ सब हेड लाइबिलिटी साइड जो रहेगी उसमें आपका एक अदर अदर करंट लाइबिलिटीज करके एक अदर करंट लाइबिलिटीज करके आपका एक सब हैड बनेगा ठीक है उसके अंदर हम क्या दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस को कॉल्स इन एडवांस को तो ये बात आपको याद रखनी है लसिन एडवांस के रिगार्डिंग ठीक है अब हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला है दो रुपये जो हमें ज़्यादा मिले हैं इस दो रुपये का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो जो मैं अभी आपको यूज बताऊंगी यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार आया है और आगे भी आप देखने को मिल सकता है कि भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा जो आपको पॉइंट में बताऊँगी उनको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन यूज ओनली भाई किस किस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट है टू इशू द इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर तो भाई अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो वहाँ पे इस पैसे का यूज करके ठीक है इस पैसे को एक तरह से यूज कर सकती है बोनस शेयर में ठीक है सेकेंड हमारा क्या है राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिज राइट ऑफ द जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिज है उसको राइट ऑफ करने में भी हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका पैसा यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ ही कोई भी और एक्सपेंसिव या कमीशन हमने दिया है ठीक है या फिर हमने डिस्काउंट दिया है किस पर कोई भी सिक्योरिटी है कंपनी की किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी पर हमने कमीशन दिया डिस्काउंट दिया है कुछ एक्सपेंसिव हमने किया है तो वहाँ पर हम इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इसी के साथ ही टू पे द प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर ठीक है पे द प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर ठीक है हमने डिबेंचर है उसको रिडीम किया है और हमने प्रीमियम पर अगर हमने रिडीम किया है तो वहाँ पे भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम है इसको यूज कर सकते हैं या फिर थर्ड है हमारा परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर परचेज ऑफ इट्स परचेज ऑफ परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर अगर कंपनी अपने खुद के शेयर को परचेज करती है या हम इसको क्या बोल सकते हैं बाय बैक ऑफ द शेयर भी कंपनी ने क्या किया अपने ही शेयर को खरीद लिया तो उस केस में भी कंपनी कौन सा पैसा यूज कर सकती है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इसको यूज कर सकती है ठीक है तो ये था किसका आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट इशू ऑफ़ शेयर एट अ डिस्काउंट तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई जो कंपनी है वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या फिर नहीं कर सकती ठीक है अब हम बात करेंगे क्या इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ठीक है अब देखिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया एज आ जनरल रूल अभी रूल क्या है कि भी अ कंपनी कैन नॉट ऑर्डनरली इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक जो कंपनी है वो डिस्काउंट पर जो शेयर है उसको इशू नहीं कर सकती ठीक है हाँ लेकिन अगर एक कंपनी री इशू करती है शेयर्स का एक बार तो उसने इशू कर दिया लेकिन अब वो फिर से उसी शेयर को अगर इशू करेगी तो वहाँ पे डिस्काउंट में इशू कर सकती है और वह हमारा केस है फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स का फोर फीचर्स ऑफ़ शेयर्स का अगर हमने शेयर फोरफिट कर लिए हैं उन शेयर्स को जब हम फिर से इशू करते हैं तो उस केस में कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है जनरली कंपनी डिस्काउंट पर जो शेयर उसको इशू नहीं कर सकती ये बात आपको याद रखनी है इट कैन डू सो ओनली इन द केस ऑफ री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स जो शेयर हमने फॉरफिट किया है उनको जब हम री इशू करेंगे तभी हम डिस्काउंट पर शेयर को इशू कर सकते हैं अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते तो ये बात आपको याद रखनी है इसी के साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक ऑफ हम और देख लेते हैं इशू इशू ऑफ़ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो कई बार कंपनी क्या करती है अदर देन कैश भी क्या करती है जो शेयर्स है उनको इशू करती है तो मैंने क्या कहा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अदर देन कैश का मतलब क्या कि भाई मेरी कंपनी है ठीक है मेरे शेयर्स है और मुझे फर्नीचर खरीदना था मैंने फर्नीचर खरीद लिया अब फर्नीचर खरीदने के बाद मैंने जो फ, आ, सेलर था उसको फर्नीचर का पैसा मीन्स कैश न देकर मैंने उसको शेयर इशू कर दिए तो इसको हम बोलते हैं कंसिडेशन अदर देन कैश तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड टू द वेंडर विल बी कैलकुलेटेड तो भाई अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है कि भाई हम उसको कितने शेयर इशू करेंगे तो यहाँ से स्टेट के अंदर आपका क्वेश्चन आया भी था तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेंडर है जो सेलर है अब मुझे उसको कितना कैश देना पड़ेगा तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है ठीक है फॉर्मूला हम किस चीज़ का नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड कि भाई जो वेंडर है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो वेंडर है मीन्स जो सेलर है उसको मैं यहाँ पे कितने शेयर इशू करूँगी उसका फॉर्मूला फार्मूला क्या है अमाउंट पेबल कि भी जितना अमाउंट पे करना है कि भी मान लीजिए मैंने फर्नीचर जो परचेज किया है वो पाँच लाख रुपए का मैंने फर्नीचर परचेज किया है ठीक है तो अमाउंट पेबल मेरा क्या हो जाएगा कि भाई मुझे पाँच लाख रुपए देने हैं अरे मैं पाँच लाख ,00 रुपए न देके अब मैं उसको क्या करूँगी शेयर इशू करूँगी तो अब मैं कितने शेयर उसको इशू करूँगी तो उसका फॉर्मूला क्या अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई इशू प्राइस भाई अब जिस जो भी मेरा इशू प्राइस रहेगा ठीक है कि भाई पाँच लाख रुपये मुझे देने हैं और मेरा एक शेयर है जो मेरा एक शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है दस रुपये है ठीक है अगर मैं उसको पूरा द एक शेयर दस रुपये में ही दे रही हूँ तो यहाँ पर जो मेरा इशू प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा दस रुपये और अमाउंट पेबल कितना हो गया पाँच लाख रुपये तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कि भाई मुझे पचास हज़ार शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर मैं प्रीमियम पे करती तो फिर मेरा इशू प्राइस अगर मैं जो एक शेयर है वो अगर मैं बारह रुपए का दे रही हूँ इट मीनस मैं प्रीमियम पे उसको इशू कर रही हूँ ना तो उस केस में मेरा इशू प्राइस क्या हो जाएगा बारह हो जाएगा और इसी तरह से अगर मैं डिस्काउंट पे करती हूँ तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो मेरा इशू प्राइस आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से बेसिकली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जितना अमाउंट हमें पे करना और उसके नीचे आ जाएगा इशू प्राइस तो उससे हमारा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ़ द शेयर्स टू बी इशूड कि भाई इतने नंबर ऑफ़ द शेयर्स हमें क्या करने हैं इशू करने हैं ठीक है तो जो शेयर्स है उसको हम इशू कर सकते हैं ये बात आपको याद रखनी है शेयर्स को या तो हम एट पार पर इशू कर सकते हैं या फिर एट प्रीमियम पार का मतलब क्या है कि जितने का शेयर है उतने में ही हमने इशू कर दिया दस रुपये का शेयर है दस में इशू कर दिया प्रीमियम का मतलब क्या है दस रुपये का शेयर है और बारह रुपये में हमने उसको दो रुपये हमने बढ़ा के उसको ठीक है तो वो हमारा क्या क्या लगेगा ऐट पार इशू एट फेस वैल्यू एट पार का मतलब और हमारा एट प्रीमियम का मतलब इशू एट ए अबाउ द फेस वैल्यू इशू अबाउ द फेस वैल्यू जब फेस वैल्यू से ज़्यादा हम पेमेंट करते हैं तो इसको हम कहेंगे ठीक है तो ये था हमारे इसके अंदर अभी जो नेक्स्ट है हमारा फोर फीचर्स ऑफ द शेयर्स है ठीक है अब कम, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर फीचर्स ऑफ द शेयर जिसमें हम बात करेंगे कि भाई जैसे कि हमने बात की थी कोल सीन एरियर्स की कि भाई कुछ हमारे शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पैसा नहीं दिया हमने वेट किया उनको बार बार नोटिस भी दिया कि भाई टाइम हो चुका है आप अपनी जो कॉल्स है उसकी पेमेंट कीजिए लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी अगर जो शेयर होल्डर्स है वे पैसा नहीं देंगे तो फिर हम उस केस में उनके शेयर्स को जब्त कर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं फॉर फीचर्स ऑफ द शेयर्स फिर उस केस में हम किस तरह से जब्त करेंगे उस टाइम हमारी क्या एंट्री होगी फिर उन शेयर्स को फिर से हम रीइू करेंगे फिर से इशू करेंगे तो भाई फिर हमारी क्या प्रोसेस रहेगी तो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अपना एच पी कॉमर्स का सिलेबस इसको कम्प्लीट कीजिए और इसके साथ ही अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव रख सकते हो और आपका कोई भी डाउट है तो वह भी आप पूछ सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू